सीधी जिले के थाना रामपुर नेकिन के अंतर्गत हत्था गांव में 10 अगस्त को जमीनी विवाद के चलते अज्ञात युवकों ने घर के चारों तरफ करंट के तार फैला दिए, साथ ही साथ मवेशियों के चारे को भी आग लगा दी। फरियादी द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही ना करने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है, मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और इस तरह के कृत्य करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पता नहीं रात में कोई करंट लगा गया है, फिर लड़का जब उठे 9-10 साल के हैं तब करंट छुएं तो करंट पूरा वो करंट में गिर गए। मम्मी चिल्लाने, मम्मी देखा तब लकड़ी से उसका खोला गा गेट, और गेट जब लकड़ी से खोला गा तो पीछे देखन पीछे आग पूरे हार भूसम फैलाए गया, तो वह का दिखन तो बुझान बार बार रामपुर नैकिन में जाई थे तनि सुनाई हो सुनाई हो जाए। 10 तारीख का है घटना। नहीं होता, देख बस लेते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं, हो गया नहीं, पुलिस आई थी तो देखे चली गई बस। हाँ, जमीन का विवाद है, बाकी और तो विवाद नहीं आया कोहू से, जमीन का विवाद है पुराना। वही तो मुझे, मैं भी अभी आया, जब छुट्टी से आया, मैं एक्चुअली आर्मी में हूँ, मेरा नाम विजय शुक्ला है, मैं इनका भांजा हूँ, राजेश त्रिपाठी का मैं भांजा हूँ। मैं आया तो छुट्टी में ही था, सुबह मेरे को कॉल किया गया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैं आके देखा तो वायर लगा हुआ था, वहाँ गेट पे तना हुआ था, और पता नहीं कौन अज्ञात लोग लगा दिए इसमें, कुछ जमीनी विवादें चल रही है उसके कारण। मैं थाना में भी लेके गया, 11 तारीख को रिपोर्ट लिखवाया, और 11 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैं वहाँ जाँच के लिए भी बोला, दिया गया, एक बार आई पुलिस, लेकिन कोई एविडेंस भी वहाँ से नहीं उठाया गया। जो एविडेंस था वहाँ पे, जो वायर वगैरह थी, उसको भी पुलिस द्वारा नहीं उठाया गया। और पुलिस द्वारा क्या मौका मुआयना किया गया? कोई मुआयना नहीं किया गया ना, आया केवल वहाँ पे पुलिस आई, और केवल पहले तो मैं 100 नंबर को कॉल किया था, 100 नंबर आई थी, फिर इसके बाद अगले दिन पुलिस आई दोपहर में, तो आई तो चेक की, और चेक करने के बाद वो वहाँ से हो गया, जो लिखी नक्शा बनाई बाकी चली गई, ना कोई एविडेंस भी वहाँ से उठाया गया। फिर इसके बाद मैं दोबारा TI साहब से भी मिला, TI साहब को मैं बताया, तो TI साहब बोले कि आप क्यों नहीं किए इन्वेस्टिगेशन। हमको बोला गया कि आप क्यों नहीं किए इन्वेस्टिगेशन, यदि कह रहे हम सेना में हैं तो सेना का हम काम कर सकते हैं, यहाँ पुलिस का काम हम नहीं कर सकते हैं। बोले गए कि आप भी तो सेना में, आप भी तो सिपाही हो, तो आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीधी से रानू पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।